نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأبدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم رب زدني علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أربي بول شال. यानी जो फंक्शनल अरेबिक होती है स्पोकन अरेबिक उसके अंदर हम पहला लेसन शुरू करते हैं इनशाला फर्स्ट लेसन है हमारा इंट्रोडक्शन यानी जब आप किसी नए इंसान से मिले और उसे उससे जो क्वेश्चंस होंगे जो उससे मुकालमा होगा जो कन्वर्जेशन होगी उससे हम शुरुआत करते हैं इनशाला तो यहाँ पर एक डायलॉग यानी कि कन्जेशन मुकालमा यहाँ पर आ, सामने है बिटवीन साद एंड जैनब साद और जैनब के बीच में ये कन्वर्जेशन डायलॉग्स हैं तो हम इनशाला देखते हैं कि मेल अगर कहेगा कोई आदमी अगर किसी औरत से सवाल करेगा तो कैसे करेगा और औरत मर्द से सवाल करेगी तो किस तरह से करेगी थोड़ा सा डिफरेंस होगा बाकी सब बिल्कुल सेम होगा इन शाम इनशाला शुरू करते हैं सबसे पहले साध मतलब साध कहता है अलमकुम वरह वबरकू तो ये ग्रीटिंग है यानी जब आप किसी से कलाम यानी बात करना शुरू करते हैं उससे पहले क्या करते हैं सलाम कबल कलाम यानी बात करने से पहले उसको सलाम करो ठीक है तो सलाम का मीनिंग हमें पता है कि सलामती हो तुम पर और रहमतें अल्लाह की तुम पर और बरकतें हो है ना पीस बी अपॉन यू एंड अल्लाह मर्सी एंड ये Uh, मतलब सलाम का तर्जुमा होता है खैर हमने सलाम का तर्जुमा नहीं करना है। सलाम जैसा है वो मेल हो चाहे फीमेल हो सबने एक ही तरह से सलाम करना होता है और एक ही तरह से जवाब देना होता है तो ता, तारुफ में सबसे पहले है हो, होगा सलाम होगा साथ कहता है जैनब से असल वरम्लाबरक तो यहाँ पर जैनब का जवाब क्या होगा जैनब जवाब देगी रहमतुल्लाहि व वबरकत ठीक है अब देखें बिल्कुल सेम अगर जैनब सलाम करती है तो क्या होगा व वरम् सेम जैसा साथ का था वैसे ही जैनब सलाम करेगी तो बिल्कुल सेम करेगी और जवाब भी बिल्कुल सेम होगा रहमतुल्लाहि व वबरको तुम पर भी सलामती हो तुम पर भी रहमत हो अल्लाह की और तुम तुम्हारे लिए भी बरकत हो ठीक है तो ये इस तरीके से सलाम हो गया असलामकम वरम्हबरक वाले वरहमतुल्लाहि लाबरकत सवाल में सलाम हुआ तो जवाब देना वाजिब है तो आपने उसका जवाब देना है आगे हम बढ़ते हैं इनशाला कैफा कहता है कैफा हाल हालुकी कैफा मतलब होता है कैसा हाल मतलब हाल की मतलब आपका मतलब कोई औरत से अगर पूछा जाएगा तो की का तर्जुमा होगा कैफा हालुकी तुम्हारा हाल कैसा है कि मतलब तुम्हारा हाल मतलब हाल मतलब कैसा है तुम्हारा हाल कैसा है यानी तुम कैसे हो या यू हम कह सकते हैं कि तुम कैसी हो तुम्हारा हाल कैसा है हाउ ठीक है तो जवाब क्या दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बेखरी व अल्हम्दुलिल्लाह बेखीर व आफिया अल्हम्दुलिल्लाह बेखीर व आफिया अल्लाह का शुक्र है

या कोई औरत से के बाद से सवाल किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा कई फहालुकी या मर्द पूछे या औरत पूछे लेकिन जब भी आप औरत से सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कई फहालुकी तुम्हारा हाल कैसा है तुम कैसी हो तुम कैसी हो ठीक तो तो है हो? हो? तो वो तो जवाब में क्या कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह बेखैर व आफिया अलहमदुल्ल बर व आफिया अलहमदल व आफिया फिर अगर किसी मर्द से सवाल किया जाएगा तब देखें, साथ से पूछ रही है कई फहालुका पहले यहां पर हालुकी आया यहाँ पर हालुका आ जाएगा बस छोटा सा डिफरेंस है की को काक कर देंगे आप जेर को जबर कर देंगे तो वो मे फीमेल से मेल हो जाएगा कई फाहलुकी तुम कैसी हो कई फालुका तुम कैसे हो मर्द के लिए तो जवाब क्या होगा अनाबिन तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं या सेम जवाब दे सकते हैं आप ठीक है बिल्कुल सेम जवाब भी आप देंगे तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर अलहमद ला वाल आफिया भी आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं बिस् व आफियत अना बिस बसी हतिन व आफियत यानी सेहत और आफियत के साथ हो तो ये ये जो चीज है व अनाबिसन ये औरत भी कह सकती है जवाब में मर्द भी कह सकता है और अलहमद ला खैर व आफिया ये औरत भी कह सकती है जवाब में मर्द भी कह सकता है तो सिंपल है यहाँ पर तीन अलग अलग ट्रांसले वो दिए गए हैं तीनों में से आप जो चाहें जवाब में कह सकते हैं अभी हम हमसे अगर कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो आप कभी कहते हैं कि हम अलहमदल्ला कभी आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ कभी आप कहते हैं मैं खैरियत से हूँ कभी आप, आप कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कभी आप कहते हैं अच्छ अच्छी हूं कभी आप कहते हैं सलामती के साथ हूं तो कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं ना तो ये यह यहाँ पर उसके वेरिएशन दिए हुए हैं कि आप क्या क्या कह सकते हैं तो यहाँ पर आप इसके जवाब में यूं कह सकते हैं ठीक है और सवाल भी दो तरीके से आ सकता है और जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं सवाल कैसा हो सकता है कई फहालू की कैफा का फाहुका सेहा सीहाईफ सिहा मतलब सेहत कैसी है या फिर आप आपका हाल कैसा है एक ही बात है ना हाउ आर यू योर हेल्थ तो हम सबके जवाब में एक से जवाब दे सकते हैं कैसे अल्हम्दुलिल्लाह बैर व आफिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है खैरियत और आफियत के साथ फिर अगर कोई सवाल करे अः कई या कई फसिहा दोनों देखें यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं और उसके जवाब तीन हैं ठीक है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है और ये फीमेल मेल और फीमेल का डिफरेंस है बस लेकिन तीनों क्वेश्चन सेम है और इसके तीनों आंसर में से कोई एक आंसर आप दे सकते हैं तो क्या क्या है एक मरतबा हम देखते हैं इनशाला कई फहालू की तुम कैसी हो अगर कोई सवाल करे कईफ़लू की तुम कैसी हो तो आप जवाब देंगे अल्हम्दुलिल्लाह व आफिया या फिर आप जवाब देंगी के, अना आफियतिन। मैं सेहत और आफियत के साथ हूँ या आप कहेंगे जैन बिसलमत जैन बी जैन बी जैन मतलब ठीक है बी सलामती सलामती के साथ मतलब खैरियत के साथ हूँ तो सवाल क्या हो सकता है हालू की भी हो सकता है या फिर कैफ सिहा भी हो सकता है अगर किसी औरत से पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे कि तुम कैसी हो या कैसी सेहत है और किसी मर्द से पूछा जा रहा है तो सवाल क्या होगा कैफ हालुका तुम कैसे हो या और दूसरा क्या होगा सेहत कैसी है हाउ इज योर हेल्थ कैफाहा कैफ सिहा यानी सेहत कैसी है तो जवाब क्या क्या होंगे तीन जवाब होंगे या तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह बेर व आफिया अनाबिन व आफिया अना व आफिया ये भी आप जवाब दे सकते हैं मैं सेहत के साथ हूँ और आफियत के साथ हूँ तो दोनों में से आप कोई भी तीनों में से जवाब दे सकते हैं आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह अगर आपसे कोई पूछे कैफ शुगल कैफ शुगल शुगल मतलब हाउ योर बिजीनेस यानी आप आप मशगला क्या है आपका आप कैस आ, क्या कर रहे हो तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कैफ शुगल शुगल आपने अगर उर्दू में ये वर्ड सुना होगा मशगला मशगला अगर वर्ड आपने सुना होगा मशगला का क्या मतलब होता है बिजी होना किसी किस काम में बिजी हो क्या काम में बिजी हो आप इस तरीके से उसका वो कर सकते हैं तो कैफ शुगुल का मतलब होता है काम कैसा है ठीक है हाउइज योर वर्क काम कैसा है हाउ हाउ इज वर्क तो आप क्या जवाब दे रहे हैं के कैफ शुगल योर वर्क तुम्हारा काम कैसा है कैसा चल रहा है सब कुछ ऐसा कहते हैं ना कैसा चल रहा है सब कुछ काम कैसा चल रहा है और हम कहते हैं इज योर वर्क तो कैपा कैसा अशुगल वर्क यानी काम कैसा चल रहा है काम तो आप जवाब देंगे तमाम वकुल्लु शई इन अला मायूराम तमाम वकुल्लु शई इन अला मायूराम तमाम मतलब ठीक ओके और वकुल्लु शईन और हर चीज अला मायूराम ठीक है मतलब एवरीथिंग इज ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट तमाम ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट इस तरीके से ठीक है एवरीथिंग इज ऑल राइट इस तरीके के आप जवाब देंगे कि हाँ हाँ ठीक चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है काम अच्छा चल रहा है तो आप इसी तरह से जवाब देते हैं ना कि काम अच्छा चल रहा है तो हम कहेंगे ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है काम ठीक चल रहा है तो तमाम वकुल्लुष इन अलाम तमाम वकुल्लु इन अलाम ठीक है तो ये वर्ड ये सेंटेंस याद कर लें ये बिल्कुल आ, हर जगह मेल हो चाहे फीमेल हो सेम ही होगा कई फशुगुल सवाल भी सेम होगा मेल फीमेल के लिए और जवाब भी सेम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिन आई मिनती देखें जैसे आ, आया था हाल तुम कैसी हो तो उसी तरह से सवाल हो रहा है मिन आइना अंति तुम कहाँ से हो यानी किसी लड़की से पूछा जा रहा है कि तुम कहां से हो मतलब तुम गांव की रहने वाली हो मिन से आईना कहां? तुम तुम कहाँ से तुम कहाँ से हो यानी के वेर आर यू फ्रॉम आइना वेर मिन फ्रॉम अंति यू यू वेर फ्रॉम फ्रॉम वेर यू आर ठीक है वेर आर यू फ्रॉम एक्चुअली में होगा वेर आर यू फ्रॉम तुम कहाँ से हो तो अंति मतलब तुम ऐना मतलब कहाँ मिन से तुम कहाँ से हो तो जवाब का कैसा आएगा जो भी आपकी जगह है जो भी आपका मुल्क है जो भी आपकी जगह है उसका नाम बताना है अना मिनल यमन अना मिनल यमन अना मैं मिन से अल यमन यमन से हूँ आई एम फ्रॉम यमन एम फ्रॉम यमन मैं यमन से हूँ मिन यानी से मैं यमन से हूँ और अगर किसी आदमी से सवाल करना है तो अंति की जगह अंता हो जाएगा जैसे की का का हो गया वैसे अंति का अंता हो जाएगा वा मिन अंता व और मिन से ऐना कहाँ अंता आप और कहाँ से हैं आप आप कहाँ से हैं वाओ का मतलब है और मिन मतलब से अना मतलब वेर कहाँ और अंता मतलब आप मर्द आप आप कहां से हो आप कहां से और आप कहां से वेर आर एंड यू एंड वेर आर यू फ्रॉम एंड वेर आर यू फ्रॉम तो यहां पर फ्रॉम मिन आईना वेर अंता यू अना मिनल हिंद तो जवाब क्या दिया उस शख्स ने साद ने जवाब दिया अना मिनल हिंद जैनब ने सवाल किया कि तुम कहाँ से हो साधे पहले पहले साथ ने सवाल किया था जैनब से तुम कहां से हो तो वो कहती है मैं यमन से हूं। फिर अब ये सवाल करती, करती है कि तुम कहाँ से हो और तुम कहाँ से हो तो वो जवाब देता है अना मिनल हिंद अना मैं मिन से अल हिंद हिंदुस्तान से हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया आई एम फ्रॉम इंडिया अना आई

अना तबीबा तबीबा का मतलब होता है डॉक्टर फीमेल डॉक्टर को तबीबा कहा जाता है और मेल डॉक्टर को तबीब कहा जाता है तो तबीबा यानी डॉक्टर हूँ तबीबा अना तो अना मैं डॉक्टर हूँ आई एम डॉक्टर मन अंति हु मैं डॉक्टर हूँ अब वो मर्द से पूछा जाएगा साथ से पूछ रही है जैनब व मन अंता व और मन कौन अंता तुम और कौन तुम यानी तुम कौन हो और तुम कौन हो मैं तो डॉक्टर हूं और तुम कौन हो वमन अंता और तुम कौन हो तो वो जवाब क्या देता है अना मुदर रिसुन अना मुदर रिसुन अना आए मुदर रिस टीचर आई एम अ टीचर मैं टीचर हूँ मैं मुदर रिस रिसू मैं एक टीचर हूं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या देखा हमने अंति और अंता अंति मतलब तुम औरत कौन हो अंता मतलब तुम मर्द कौन हो और मन मतलब कौन मिन और मन में फर्क है ठीक है मिन मतलब फ्रॉम और मन मतलब मेहनत मतलब मेहनत का, का काम क्या कर रहे हो यानी वॉट इज योर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है माँ क्या ही या ये मेहनत मेहनत मतलब ऑक्यूपेशन की यानी तुम्हारी तुम्हारी मेहनत क्या है मतलब तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है तुम्हारा पेशा क्या है ठीक है माँ या मेहनतों की इस तरीके से की की आ रहा है ना मतलब फीमेल से सवाल हो रहा है कि तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है व्हाट व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन तो माँ का मतलब होता है व्हाट मन का मतलब होता है हु ठीक है वट इज योर ऑक्यूपेशन तुम्हारा पेशा क्या है मतलब वो जैनब से पूछ रहा है जैनब जा, जवाब देती है अना मुआजिफत फिशरी का। मुआज़िफा मतलब होता है अ मुलाजिमा फिशरी का। और शरीका क्या कहा जाता है कंपनी को ठीक है मुआज़िफा एम्प्लॉ मुआजिफा एम्प्लॉय ठीक है मुलाजिम मुलाजिमा वो वाली मुलाजिमा नहीं जो हमारे घर में काम करती है कंपनी के उसको भी मुलाज इसको कहा जाता है अः मतलब कंपनी की एम्प्लॉ है कंपनी में काम करने वाली वर्कर है माहिया मेहनतों की तुम्हारा मज़, आ, पेशा क्या है वॉट इज योर ऑक्यूपेशन तो वो जवाब देती है मुज्जफतन फ़िशरिका अना मैं मुज्जफा अना मैं मुज्जफा यानी कि मुलाजिम हूँ एम्प्लॉ हूँ फी में शर्का फ़िशरिका फिशर्का शर्का मतलब कंपनी में फिश शर्का कंपनी में मैं मुलाजिमा हूँ कंपनी में आई एम एन एम्प्लॉ इन अ कंपनी इन द कंपनी ठीक है मैं कंपनी में मुलाजिमा हूँ मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ तो अब जैनब सवाल करती है माँ हिया मेहनत का अब यहाँ पे की आ रहा था औरत के से सवाल करने के लिए और कहा आ रहा है मर्द से सवाल करने के लिए वॉट इज युपेशन सेम सवाल है देखे बिल्कुल सिर्फ अंता का अंति बन रहा है है ना अंति फीमेल के लिए तो अंता मेल के लिए फिर की फीमेल के लिए तो का मेल के लिए और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है माँ या मेहनत की माँ क्या या ये मेहनत ऑक्यूपेशन यानी पेशा का तुम्हारा तुम्हारा पेशा क्या है तुम्हारा पेशा क्या है वट इज योर ऑक्यूपेशन व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन तो वो जवाब देता है अनाजिफ उनफिशरी का सेम सवाल देखें सेम जवाब है लेकिन मुआ्जिफतुन आ जाएगा फीमेल के लिए एंड में गोलता आ जाएगा फीमेल के लिए और गोलता हटा देंगे तो मेल का बन जाएगा जैसे यहाँ पे देखें गोलता लगा हुआ है फीमेल के लिए तबीबा तबीबा मतलब डॉक्टर और इसका गोलता हटा देंगे तो तबीब बन जाएगा यानी कि मेल डॉक्टर तबीबा फीमेल डॉक्टर मुआजिफा फीमेल एम्प्लॉय मुआजिफ मेल एम्प्लॉय ठीक है तो गोलता लगाने से फीमेल बन जाती है ठीक है जैसे मुस्लिम से मुस्लिम बन जाती है काफिर से काफिरा बन जाती है मोमिन से मोमिना बन जाती है उसी तरह से मुह्जिब से मुज्जफ़ा बन जाती है तबीब से तबीबा बन जाती है ठीक है असल में ये तबीबन है लेकिन जब आप उसको पॉज करके पढ़ते हैं तो तबीबा हा की आवाज निकाल देते हैं वो गोलता जो होता है वो हा की आवाज में कन्वर्ट हो जाता है न मुजिफ़ उनफिश फिश फिष्, शरीका अनाजिफ फिश शरिका अना मैं मुआजिफ एम्प्लॉय मुलाजिम हूँ फी में शरीका कंपनी में यानी एक तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई मर्द कहेगा तो कैसे कहेगा और, और औरत कहेगा तो कैसे कहेगी तो क्योंकि अब आप आप यूं सवाल करेंगे कि भाई ये तो टीचर था तो ये कंपनी में एम्प्लॉय कैसे हो गया तो ये सिर्फ एक तरीका बताया जा रहा है कि यूं इस तरीके से कहा जाता है मैं मैं एम्प्लॉय हूँ कंपनी में वो भी कह रहा है मैं एम्प्लॉय हूँ कंपनी में मैं मुलाजिम हूँ कंपनी में और दोनों में डिफरेंस क्या है मुआजिफा और मुआज़िफ मुलाजिमा और मुलाजिम व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन माहिया मेहनतु की वो कहती है अना मुआजिफतफर का शरीका मैं मुलाजिम हूँ कंपनी में यानी मैं आई एम एन एम्प्लॉयी इन इन द कंपनी माँ ही अमीर न तुम क्या हो uh, तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है तो वो मर्द कहता है वो साथ कहता है फिश शरीका मैं मुलाजिम हूँ कंपनी में आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन द कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन आइना तजहबीना आइना तजहबीना आइना मतलब वेयर कहाँ तजहबीना तुम जा रही हो आईना तजहबीना मतलब तुम कहाँ जा रही हो वेर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो औरत से पूछा जाएगा तो तजहबीना आएगा कि तुम कहाँ जा रही हो तो जवाब क्या आएगा अजहबूल मुस्तफ़ा वो तबीबा है ना डॉक्टर है तो कहाँ जाएगी वो हॉस्पिटल जाएगी राइट तो मुस्तफा मतलब हॉस्पिटल अजहबू मैं जा रही हूँ तरफ अलमुस्तफफा हॉस्पिटल की तरफ मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल ठीक है कहा तजहबीना तुम जा रही हो अजहबू मैं जा रही हूँ इला तरफ अल अलमुस्त मतलब द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ तो उससे पूछती है वो सवाल साथ से वो ऐना तजहबू देखे तज़हबीना तजहबू तज़हबीना ईना लग गया एंड में तो फीमेल के लिए होगा कि तुम कहाँ जा रही हो और यहाँ क्या होगा तुम कहाँ जा रहे हो एक मर्द से पूछा जा रहा है वह आईना और तुम कहा जा रहे हो वह और कहा जा रहे हो वो कहता है इल इल मदरसा इलल मदरसा वो टीचर है तो क्या कहा जाएगा स्कूल जाएगा राइट तो अजहबू मैं जा रहा हूँ ये सेम है देखें बिल्कुल अजहबू अजहबू दोनों के लिए सेम होगा जब फर्स्ट पर्सन आता है अपने लिए कहा जाता है तो मेल फीमेल दोनों सेम कहते हैं कहने वाला मेल होगा तो मेल हो जाएगा फीमेल होगा तो फीमेल हो जाएगा मैं जा रहा हूँ मदरसे की तरफ यानी आई एम गोइंग टू द स्कूल मैं स्कूल जा रहा हूँ अजहबू मैं जा रहा हूँ इला तरफ अल मदरसा स्कूल की तरफ यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ लास्ट ग्रीटिंग को कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन uh, को सरल तू बिलिकॉकी यहाँ पे भी की आ रहा है सरर तु बिलकी सरअु का मतलब होता है मसरत हुई मसरत मतलब खुशी सर आई एम ग्लैड ठीक है सर मुझे खुशी हुई बिलखा मुलाकात करके की तुमसे वो साथ कह रहा है कि मुझे तुमसे मुलाकात करके खुशी हुई मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई आई एम ग्लैड टू मीट यू यानी तुमसे मुलाकात की तो मुझे खुशी हुई सर और इकी की मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई तो ये क्या कहता है वा ना, वा ना सररतु का। ये फीमेल को कह रहा है ना कि तुमसे मिलकर खुश हुई तो वो मेल से क्या जवाब देती है साथ को जवाब देती है जैन वह अना बिलिकाई का वह अनाजन है ना ऑल्सो कहते हैं ना हम सेम टू यू कहते हैं ऑल्सो कहते हैं तो ये तर्जु आ, मतलब वह अना आता है व और अना मै आईजन ऑल्सो एंड मी टू इस तरीके से एंड अना मैं मी आइजन टू ऑलो ठीक है और मुझे भी और मुझे भी सरल तू बिल का मैं मुझे भी खुशी हुई तुमसे मुलाकात करके मुझे भी तुमसे मुलाकात करके क्या हुई है खुशी हुई है यानी मेल का है चाहे फीमेल का है ये आप इसी तरीके से कहेंगे के मुझे तुमसे तुम मिलकर खुशी हुई मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई ठीक है आगे बढ़ते हैं तो वो क्या कह जैनब कहती है मा सलामा गुड बाय मा सलामा मतलब गुड बाय जब आप किसी को एंड करते हैं कन्वर्जेशन को तो आप कहते हैं गुड बाय सलामती के साथ माँ मतलब साथ सलामा मतलब सलामती के साथ यानी गुड बाय तो वो जवाब क्या देगा इलाखा इला मतलब सी यू सोन जल्द मिलेंगे यानी दोबारा मुलाकात होगी कहते हम इन लिखा यानी के अः दोबारा से मुलाकात होगी सी यू सोन सी यू सोन दोबारा मुलाकात होगी तो के एंड कैसे करना है आपने सरर और बिलि कौ मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई यानी किसी औरत से कहेंगे आप तो लिका इकी तुमसे मिलकर खुशी हुई तो वो क्या कहेगी जवाब में वह अना ऐसन सरअ बिलिकाइका लिका इका वह और अना में ऐसा मुझे भी मुझे भी खुशी हुई सरल तू खुशी हुई बिलका इका तुमसे मुलाकात करके मास्लामा गुड बाय अब टाटा बाय बाय हो रहा है अब यानी सी यू सोन जल्द मुलाकात होगी तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मेल और फीमेल के दरमियान छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उसको मार्क कर लीजिए यहां पर देखें हाल लुकी जब आप किसी फीमेल से पूछेंगे तो हाल लुकी कहेंगे ठीक है और जब आप किसी मेल से पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे हाल का ठीक है की और का का डिफरेंस है फिर यहां पर आ गया हमने देखा बाकी सब सेम अंति कोई फीमेल से पूछा जाएगा अंति यू तुम और किसी मेल से पूछा जाएगा तो क्या होगा अंता यहाँ पर अंति और यहां पर अंता सिंपल ठीक है यहां पर भी अंति और अंता फिर पेशा वगैरह बताएंगे आप अपना तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि आप पेशा भी फीमेल वर्ड के साथ हो तो गोलता के साथ है देखिये यहाँ पर भी गोलता के साथ है ये बगैर गोलता के है क्योंकि ये मेल बोल रहा है ये गोलता के बगैर फिर अगर आप किसी औरत से पूछेंगे तो तजहबीना और मर्द से पूछेंगे तो तज़हबू तुम कहाँ जा रहे हो ठीक है तजहबीना और तजहबू का तर्जुमा होगा फिर लास्ट में बिलिकॉई की सेम बात है यहाँ पर भी की और का यानी की फीमेल के लिए और का जो है वो मेल के लिए आ जाएगा और बाकी जितनी चीजें हैं वो सब की सब सेम रहेगी ठीक है सलाम का जवाब सेम रहेगा तीन तरीके से आपसे कोई आपका हाल पूछे तो आप बिल्कुल सेम तरीके से जवाब देंगे मेल हो चाहे फीमेल हो फिर आपसे कोई आपकी सेहत पूछेगा तो बिल्कुल सेम तरीके से आप उसका जवाब देंगे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तमाम वकुलश इन अलामा यूराम फिर इसके बाद जब आपसे एंड एंड होगा कन्वर्जेशन तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही होगा बस अगर का है तो की हो जाएगा की है तो का हो जाएगा मेल और फीमेल का डिफरेंस रहेगा बाकी मा सलामा सेम रहेगा कि सेम रहेगा وأنا عايزن سيم سيماً رهيباً سررت بلقائك شكراً بس اس تاريخي سبولينجي تو الحمد لله يا عفر عماري فرز فانوزيشن فنوزي. مكمل ہوئي. بارك الله لي ولكم في القرآن الأظيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم جزاكم الله خيراً كثيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته